विवान। फिरा तुम यहां, तुम ठीक तो? पता है मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। डॉक्टर ने क्या कहा? तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने कहा तो जरूरी था विवान, नहीं तो बहुत देर हो जाती। जब तक साथ थे बहुत लड़े हैं, बहुत गालियां दी हैं, बहुत टेंशन दिखाया ना एक दूसरे को। पर मेरा आज मुझे भूलने दो। तुम्हें तो पता है मुझे मुझे बकवास करने की कितनी आदत है। पर कोई बात नहीं, अब ज्यादा देर नहीं झेलना पड़ेगा। पर अब जब अलग होने की बारी है तो क्यों ना शांति से हो जाए। गुड बाय विवान। पंजाबी में तो नहीं बोला ना, इंग्लिश में ही बोला ना मेरे कुन्ने मास्टर। बाय विवान। मीरा रुको, मीरा मेरी बात, मीरा मेरी बात तो सुन। हेलो सर, आपकी पत्नी भाग गई है हॉस्पिटल से। देख, तेरे गलत कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। पढ़ी से पढ़। विवान, पापा जी, आप दोनों की जिंदगी मुझसे जुड़ी है और मेरी खुशियां आप दोनों। कोई एक भी दुखी हुआ तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। आप दोनों में से किसी एक को भी तकलीफ में देखो तो वो मेरे लिए मौत से कम। समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों में खड़ी हुई दीवार कैसे तोड़ूं। शायद मेरे जाने से ये लड़ाई को खत्म करने का कारण बने। मेरी बेटी ने जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती की है और वही उसके लिए सबसे भारी पड़ गई, तुझसे प्यार करके। अब भी आपको इस सब बातों की पड़ी है? इस वक्त क्या जरूरी है कि अपनी कुड़ी को ढूंढना कि विवान के ऊपर इल्जाम लगाना? जाओ जाके ढूंढो अपनी कुड़ी को। आपने मीरा को जो कसम दी थी कि विवान से रिश्ता तोड़ दे, बहुत बड़ी गलती की आपने। इसका मतलब आपकी वजह से मीरा मुझसे दूर गई, आपकी वजह से उसने ये घर छोड़ दिया। पुत्र, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था ना? वो ना तो अपने पियो से दूर रह सकती है और ना ही पति से। पर रब की सो, अगर मेरी कुड़ी को कुछ हुआ ना तो मैं दोनों को माफ नहीं करूंगी कभी जिंदगी भर। आप सुन रहे हो ना आप दोनों? अरे ये सब बातें बाद में कर लेते, पहले चल के मीरा दीदी को ढूंढ लेते। चलिए लोगों को कुछ तो पता होगा, कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई कुछ क्लू कुछ तो मिला होगा। देखिए, अगर मैं पता कर पाता तो अब तक कर लेता, पर ठीक है, मैं देखता हूं कहां जा सकती है मीरा। कुछ आइडिया तो
मुझे ऐसी सजा मत दो। मुझे डांट लेना, मुझे कुन्ना मास्टर कहो, लीचड़ कहो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। बस बस वापस आ जाओ प्लीज। चल थोड़ा खाना खा ले, तूने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, मैं लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, मुझे भूख नहीं। आपको पता कि दुनिया की सारी पुलिस ना एक माँ के आगे फेल है। आपको कुछ तो पता होगा आंटी कि मीरा कहाँ जा सकती है, कुछ तो क्लू होगा, कुछ सोचिए ना। आप लोग ही कहते हैं ना कि माँ भगवान का रूप होती है ना। तो मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मीरा का कहीं कुछ क्लू मिल सकता है तो आंटी वापसी ही मिल सकता है। आप सोचिए ना, आपकी बेटी है, कहाँ जा सकती है, कहाँ नहीं। मतलब मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ उसको लेकर। मैंने उसकी सारी सहेलियों से पूछ लिया, सारे रिश्तेदारों से पूछ लिया, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, सब जगह देख लिया, लेकिन उसका कोई पता नहीं। आप ध्यान से सोचिए, कोई जगह होगी। बचपन में वो गुम होती थी ना, तो मुझे पता होता था कि वो कहाँ गई है। बचपन में कहाँ जाती थी? वो जगह बड़ी दूर है, वो अब वहाँ नहीं जा सकती। हाँ, पर जगह कौन सी आप एक बार मुझे बताइए तो। ये जगह है फोटो में, ये कहाँ है? ये ना इसकी दादी का पिंड है, उसे बड़ा पसंद है। बस छुट्टी होने की देर होती थी, वहां पच के चली जाती थी। अपने दादा दादी को ना वो हीर राजा कहती थी। जैसे उन दोनों का प्यार है ना, वैसे वो अपने पति से प्यार पाना चाहती है। माफ कर दीजिए आंटी जी। माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी पुत्र, लेकिन मुझसे नहीं, नीरा से। पुत्र एक वादा कर कि जब तू मीरा को मिलेगा ना, उसे तू लंदन लेकर चला जाएगा। आंटी तू वादा कर, इन सब मुसीबतों से मेरी मीरा को दूर लेकर चला जा। उसके पापा कभी नहीं मानेंगे, मुझे पता है। तो मेरी बात को नहीं डालेगा, है ना? बस रब्बा मेरी मीरा मिल जाए। नहीं आंटी, वो मानेंगे। जब पिंड वाला प्यार शहर में देखेंगे तो मानेंगे। जब वो हम दोनों में वो दादा दादी वाला प्यार देखेंगे ना, तो मानेंगे। मैं मीरा को लेके जाऊंगा आंटी, पर उसको सारी मुश्किलों से दूर लेके जाऊंगा। उसके पापा और आप लोगों के आशीर्वाद से दूर नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूं, उसको लंदन में इतनी सुकून की जिंदगी दूंगा कि उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप फोन करके बुलाएंगी ना, तो पेट दर्द और सरदर्द का बहाना करेगी कि जो पिंड वाला प्यार होता है ना, मैं वो उसको लंदन। मुझे पता चल गया कि मीरा का है। पता चल गया?
जी। कहाँ है वो? वो आपके पुराने घर में, जहाँ आप सब लोग अपने दादाजी के साथ रहते थे। पिंड में? उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। ये ले पुत्र, जब तुम मीरा को मिलेगा तब इसे ये करीरे पहनाकर अपने साथ वापस ले आना। भाई कुछ जैसे ही पता लगता है मेरे को कॉल कर देना। सुनो जी, विवान को मीरा का पता चल गया है। बचपन में कितनी भी टेंशनें क्यों नहीं होती थी, इस घर में अंदर आती ना सब मिट्टी हो जाती थी। ठंड में भी कभी इस घर में ठंड नहीं लगती थी, हमेशा सूरज खिड़ा रहता था। पर इस बार तो ऊपर भी देखती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि सूरज की रोशनी मुंह पे पड़ ही नहीं रही है, बस अंधेरा ही अंधेरा। अजीब सी बेचैनी है। मेरा बिना दिमाग ही खराब हो गया, बड़ा कभी खुशी कभी गम स्टाइल में दरवाजे की ओर बढ़ने लगी थी, जैसे मुझे कोई मिलने आया हो। पर ऐसी चीजें ना पिक्चरों में ही होती है, असली जिंदगी में ऐसी मुरादें थोड़ी ना पूरी हो जाती है कि दिल की बात बिना कहे दिल तक पहुंच जाए। जादू हो जाता है। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं नफरत करती हूँ तो खुद को सजा क्यों दे रही है? मुझे सजा दो। ये सब क्या है मीरा? गोली लगी हुई हालत में तुम
तुम भाग कैसे गई? घर छोड़ के आ गए? अभी तक जख्म पूरा भरा भी नहीं और तुम एक बार अपनी हालत तो देखो। मैं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता बताओ मुझे? तुम बिल्कुल सुनती नहीं आना, सिर्फ अपने मन की करती हो, बिल्कुल मेरी जैसे बने जा रही हो। क्या यही मेरी सजा है? बोलो। मैं जानता हूं तुम्हारे पापा ने तुम्हें कसम दी थी, मुझे एक बार बताया तो वो था मीरा। मैं बात करता हूं उनसे। तो यूं भाग के चले? अपने आप को इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही? तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से मुझ पे क्या बीती? पूरा टाइम सोचता रहा कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे मन। तुमने बस मारा ही नहीं मुझे, मैंने मौत तो देख ही ली। अमाया, अमाया की हालत कोमा में, मेरी मॉम और अब तो मेरी मेरी बीवी को भी मुझसे छीन ली। इतना बुरा हूं मैं मानता हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं। तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें बहुत चोट पहुंचा है, पर कम से कम मुझे एक मौका तो दो माफी मांगने का प्लीज। तुम मुझे इतनी नफरत क्यों करती हो मीरा? और अगर इतनी नफरत करती हो तो उस गोली को मुझे लग जाने दिया होता, मर जाने दिया होता, मुझे मेरी जान क्यों बचाई तुमने? जवाब दो, जिस मीरा को मैं जानता हूं वो चुप रहने वालों में से नहीं है। बताओ मुझे मेरी जान क्यों बचाएंगे? इसलिए ना क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। ये सब क्या हो रहा है मीरा? ये सब क्या है मीरा? तेरे इस कदम से तेरे माँ बाप भाई दादी का क्या हाल होगा? क्या करेंगे हम? इसके बारे में सोचा है तूने? इसका प्यार तेरे लिए इतना ज्यादा हो गया कि इसे तोड़ने के लिए तू सारे रिश्ते तोड़ के यहाँ चली आई इस गांव में। यही परवरिश दी थी मैंने तुझे, यही संस्कार दिए थे, ऐसा ही प्यार किया था मैंने तुझे। जिस बात से मैं भागना चाहती थी आज फिर उसी मोड़ पे आके खड़ी हो गई हूँ। आप दोनों को ना सिर्फ अपनी फिक्र है, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, किसी ने एक भी बार मेरा नहीं सोचा। और विवान तुम जब से आए हो मुझे सुनाते जा रहे हो, तुमने मीरा के बारे में तो सोचा लेकिन ये नहीं सोचा कि मीरा क्या सोचती है, एक भी बार सोचा कि मुझ पे क्या बीती होगी, एक भी बार ये नहीं सोचा कि मैं कितनी मजबूर हो गई होंगी कि मुझे सब कुछ छोड़ के अकेले यहाँ पे आना पड़ा। और आते ही फिर से वही बातें लाके खड़ी कर दी, सारी बातें बोल दी, मम्मी जी की मौत, अबाया की वो हालत सब याद दिला दिया, जैसे जैसे वो सारी गलती सिर्फ मेरी थी। और माफी मांगी सारा बोझ मुझ पे डालने के बाद। नहीं मीरा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा दर्द दर्द है लेकिन मेरा दर्द दर्द नहीं है क्या? वो दर्द का जरा सा भी अंदाजा है तुम्हें जब तुम्हारा पति, जिससे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओ, और भाई तुम पे विश्वास नहीं करता, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता, सारा दोष उस पे मर देता है। जरा सा भी अंदाजा है कैसा लगता है? तुम हमारे रिश्ते को कोर्ट कचहरी तक ले गए
तुम्हें पता भी है कैसा लगता है जब जो चीज दिल के सबसे ज्यादा करीब हो वो सबके सामने उधेड़ दी जाए। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है विवान। पापा जी आप जब बात संभलने वाली थी, जब थोड़ा सा कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी, आपने मुझे कसम चढ़ा दी। पर आपको अच्छे से पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए आपकी कसम तोड़ना। ना मैं आपकी कसम तोड़ सकती हूँ और ना ही मैं विवान को माफ कर सकती हूँ।